एडवांस टैक्सेशन आपको ये मालूम है कि ACCA के प्रोफेशनल पेपर्स में से एक ऑप्शनल पेपर है, और जब हम एडवांस टैक्सेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में ये आता है कि ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। लेकिन एज यू नो दैट के प्रोफेशनल जितने भी एग्जाम्स हैं हमारे पास, वहाँ पर थ्योरेटिकल एलिमेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू द न्यूमेरिकल एलिमेंट। तो इसी तरीके से एडवांस टैक्सेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, थ्योरी भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करने जाएंगे तो पेपर इंटायरली और मोस्टली जो आपका थ्योरेटिकल बेस होता है, बीच बीच में कहीं कहीं आपको कैलकुलेशंस जो हैं वो साथ अटैच करनी होती हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल पेपर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। और टैक्स के पेपर में जो नॉलेज आपको चाहिए होती है, इट्स बेसिकली द नॉलेज अबाउट द टैक्स रूल्स, या उसकी एप्लीकेशन या उसकी इंटरेक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में हम किस टैक्स सिस्टम को अप्लाई करेंगे, और अपने क्लाइंट को अगर हमें एडवाइस देनी है तो क्या पॉसिबल एडवाइस हमें अपने क्लाइंट को देनी होती है, ठीक है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखें, एडवांस टैक्सेशन के लिए ना एक प्री रिक्विजिट हमारे पास पेपर मौजूद है, विच इज प्रीवियसली F6, और प्रीवियसली एडवांस टैक्सेशन था P6। सो टैक्सेशन के पेपर, एडवांस टैक्सेशन पेपर के लिए जो प्री रिक्विजिट नॉलेज है वो सारी की सारी आपके पास टैक्सेशन के पेपर की होनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली जब टैक्सेशन का पेपर स्टूडेंट देता है तो उसके बाद उसका एक ह्यूज गैप आता है, जिसकी वजह से उसके पास टैक्स की अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं होती। सो आपका जो P6 का सिलेबस है, इट इंक्लूड्स द इंटायर TX सिलेबस, तो वो अल्टीमेटली उसका पार्ट एंड पार्सल है। और जब हम तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट्स को तो हम ये एज्यूम करके तैयारी करवाते हैं कि स्टूडेंट ने, आप समझ लें, एग्जेम्पशन ली हुई है, टैक्सेशन का पेपर उसने ACCA में कभी पढ़ा ही नहीं, या वो किसी और प्रोफेशनल बॉडी से जंप करके एडवांस टैक्सेशन में आया है और उसके पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं। यानी कि हमारे लेक्चर्स में एडवांस टैक्सेशन के अंदर टैक्सेशन का पूरा सिलेबस इनकॉर्पोरेट होगा, और हर चीज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, एग्जाम फॉर्मेट की अगर बात की जाए इस पेपर की, तो इस पेपर का एग्जाम फॉर्मेट में आपके पास दो सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए वर्थ 60 मार्क्स। ऑब्वियसली सेक्शन ए आपके एग्जाम का ज्यादा पोर्शन कवर करता है, ज्यादा टाइम कवर करता है एज कंपेयर टू सेक्शन बी, और सेक्शन बी में आपके पास जो होते हैं वो 40 मार्क्स होते हैं। ये पेपर इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट काफी क्रूशल है, और स्टूडेंट यूजुअली फाइंड इट्स डिफिकल्ट कि उस पेपर को कंप्लीट कर लें रिक्वायर्ड 3 आवर्स के अंदर। तो आपके लिए जो एक सबसे टफ टास्क होगा वो ये होगा कि आपको कोशिश करनी है कि नियर टू 100% पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाए, क्योंकि तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना आप पेपर छोड़कर आएंगे उतना आपके फेल होने के चांसेस बढ़ेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं हमारे पास जो 70s में या 60s में पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो पास हो भी गए तो फिर वो बॉर्डर पे पास होते हैं। तो जितना ज्यादा आपका पेपर अटेम्प्ट होगा एग्जाम में, उतना ही आपको हेल्प मिलेगी पेपर पास करने में। अब ये कैसे होगा, ये ऑब्वियसली जब एज सेशंस प्रोग्रेस जैसे ये चलता जाएगा तो आपको टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स और पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका और कौन से सेक्शन से कब सवाल अटेम्प्ट करना है वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन इनिशियली आई टोल्ड यू दैट इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट वेरी चैलेंजिंग एग्जाम, तो पहले दिन से बताया इसलिए जाता है ताकि तैयारी करते वक्त आपके जहन में ये रहे कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे टाइम मैनेजमेंट की वजह से हो सकता है प्रॉब्लम आए, ऐसा ना हो कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से मेरा पेपर रुक जाए और बाद में मैं ये कहूँ कि जी पेपर तो मुझे आता था बट आई डिडंट फाइंड मच टाइम, तो 20 मार्क्स मैंने छोड़ दिए। अब 80 मार्क्स में से मेरा पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा वो डिपेंड करता है कि आपने बाकी रेस्ट ऑफ द 80 मार्क्स आपने कितनी अच्छी तरह से अटेम्प्ट किए, ठीक है। अच्छा, ये जो एग्जाम है इसके ACCA की जो ऑफिशियल पेपर्स होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चेक करने का मौका मिलता रहता है, क्योंकि जो ACCA के लिस्ट ऑफ टीचर्स हैं जो ये काम करते हैं
उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो जो ऑफिशियल मॉक एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो हमें दिए जाते हैं ताकि हम चेक करके उन्हें दें, और जो ऑफिशियल इसके जो एग्जामिनर है वो हमारे चेक किए हुए आंसर शीट के ऊपर कमेंट करते हैं कि जी आपने कितना अच्छा चेक किया और आप हमारे कितने नियर हैं। सो इन टर्म्स ऑफ द एग्जाम चेकिंग और मॉक एग्जाम चेकिंग जो है ना, वो भी चीज़ें होती रहती है। तो उससे अंदाज़ा होता है कि एक फेल होने वाले स्टूडेंट का स्क्रिप्ट कैसा दिखता था, एक पास होने वाले स्टूडेंट का स्क्रिप्ट कैसा दिखता था। तो एक अच्छा पेपर सॉल्व किया जाए ना, तो उससे एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में भी हेल्प मिलती है, मार्क्स एलोकेट करने में भी हेल्प मिलती है, रादर इसके कि आपने पेपर इतने बुरे तरीके से किया हो कि ना सेक्शन का पता, ना हेडिंग्स, ना पार्ट क्वेश्चंस का पता, तो एग्जामिनर यूजुअली फाइंड इट डिफिकल्ट टू गिव यू अप्रोप्रिएट मार्क्स। ठीक है, और ये बात जहन में रखी जाए कि हर प्रोफेशनल पेपर में प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं, तो इसी तरीके से एडवांस टैक्सेशन में भी आपके पास प्रोफेशनल मार्क्स होंगे, और वो प्रोफेशनल मार्क्स अगर आपने थोड़ा सा लेआउट पे काम किया, प्रेजेंटेशन पे काम किया, तो वो प्रोफेशनल मार्क्स आपको उस वजह से भी मिल जाते हैं। और एक एक नंबर हमारे लिए क्रूशल होता है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम है, चैलेंजिंग एग्जाम है, स्कोर लो आता है इस एग्जाम में, तो अल्टीमेटली हमें एक एक मार्क के लिए, एक एक नंबर के लिए ना फाइट करनी पड़ती है ताकि हम पास हो जाए। ठीक है जी, अच्छा जी, तो सेक्शन ए में हमारे पास दो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, दोनों कंपलसरी केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 35 मार्क्स का होता है, जिसमें 4 प्रोफेशनल मार्क्स बिल्ट इन होते हैं। अब 35 मार्क्स का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, सो इट मींस कि वो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होगा, उसमें बहुत सारे इश्यूज दिए हुए होंगे और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिक्स टुगेदर होगी, तो यू हैव टू फाइंड इट डिफिकल्ट, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो वर्थ 25 मार्क्स का होगा। इसका मतलब है आपके पास एक 35 मार्क का क्वेश्चन होगा, एक 25 मार्क का क्वेश्चन होगा, और ये दोनों मिलाकर सेक्शन ए कंप्राइजेज ऑफ 60 मार्क्स ऑफ द टोटल 100 मार्क्स। सेक्शन ए का जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम लेंथी होगा इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज उसके मार्क्स थोड़े से कम हैं। उसके बाद आपके इस पूरे सेक्शन में, सेक्शन ए में आपके पास 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा जो कि एथिक्स के ऊपर होगा। ये कंपल्सरी बात बता दी गई है कि जी एथिक्स अगर आपने कवर कर लिया तो इसका मतलब है पेपर में 5 मार्क्स आपके एथिक्स के मौजूद हैं, और अगर आपने फॉर्मेट्स वगैरह पर, लेआउट के ऊपर और प्रेजेंटेशन पे काम कर लिया तो 4 मार्क्स आपके वहां पर मौजूद हैं, यानी कि 5 और 4 मार्क्स आपके ये आप आइसोलेट कर लेंगे, ये 9 मार्क्स आप टारगेट कर सकते हैं फ्रॉम सेक्शन ए। नाउ एज फार एज सेक्शन बी इज कंसर्न, सेक्शन बी में आपके पास 2 कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं, कंपैरेटिवली छोटे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 20 मार्क क्वेश्चन जो होता है ना उसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत लंबा सिनेरियो नहीं होता, तो वो इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है, और उसमें जो एरियाज कवर किए जाते हैं वो बिजनेस टैक्सेशन से रिलेटेड भी कवर किए जाते हैं और पर्सनल टैक्सेशन से भी, यानी कि इंडिविजुअल के टैक्स इश्यूज भी कवर किए जाते हैं और कॉरपोरेशन के, सोल ट्रेडर के और पार्टनरशिप के भी इश्यूज जो है वहां पर कंसिडर किए जाते हैं। ये हम नहीं कह सकते कि सिलेबस का कौन सा हिस्सा कहाँ आएगा, एवरीथिंग कम्स इन सेक्शन ए एज वेल एज सेक्शन बी, तो उसको आप टॉपिक स्पॉट नहीं कर सकते कि ये सेक्शन बी में आएगा तो ये सेक्शन ए में नहीं आएगा, हर टॉपिक एग्जामिनर कहीं भी किसी भी सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू अंडरटेक बोथ कैलकुलेशन, मैंने आपको इब्तिदा में बता दिया कि कैलकुलेशन भी होती है, एंड नैरेटिव वर्क दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट। क्वेश्चंस चारों सिनेरियो बेस्ड होते हैं और एक सवाल में मल्टीपल टैक्स इश्यूज दिए जा सकते हैं, जिसमें टैक्स प्लानिंग के बारे में भी बात की जाती है, इंटरेक्शन ऑफ टैक्सेस के बारे में भी बात की जाती है,
याद रहे कि जो प्लानिंग वाला एलिमेंट है ना, ये बहुत क्रूशल, क्योंकि आपको अपने क्लाइंट की टैक्स प्लानिंग डिस्कस करनी होती है उसके साथ. फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, उसे लगता है कि वो अब ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहेगा. सो हमारे पास एक टॉपिक है जिसको कहा जाता है इनहेरिटेंस टैक्स, और उस इनहेरिटेंस वाले टॉपिक के अंदर अब वो आपसे कहता है कि जी मुझे आइडिया है कि मैं ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहूंगा, तो वॉट एवर आई हैव उसको मैं किस तरह से किसी को ट्रांसफर करूं कि मुझे भी कम टैक्स देना पड़े, जिसको ट्रांसफर करूं उसको भी कम टैक्स देना पड़े. तो आप ये इवेल्युएट करके बताएं कि अगर मैं अपना लाइफ टाइम में गिफ्ट कर देता हूं सब कुछ, वर्सेस कि अगर मेरी डेथ हो जाती है और उसके बाद वो चीज ऑटोमेटिकली बाय विल किसी के पास जाती है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, मुझे प्लान करके बताएं. तो आपके पास नॉलेज होगी तो आप प्लान करेंगे ना कि दोनों सिनेरियोस के अंदर टैक्स को कहाँ सेव किया जा सकता है. ठीक, दो चीजें होती हैं, एक होता है टैक्स इवेजन और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस. इवेजन की अगर बात की जाती है ना, तो ये चोरी कहलाती है, इट्स अ क्राइम. और अवॉइडेंस की बात की जाती है, तो ये आप टैक्स प्लानिंग के जरिए अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं. देर आर सर्टेन काइंड ऑफ रिलीफ, देर आर सर्टेन काइंड ऑफ एग्जेम्पशंस. तो अगर आप उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर लें, तो अल्टीमेटली आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाती है, सेव हो जाती है. ये टैक्स प्लानर का काम है, ये टैक्स कंसल्टेंट का काम होता है. अब अपने आप को कंसल्टेंट एज्यूम करें, तो कंसल्टेंट को फिर अपने क्लाइंट की हर रिक्वायरमेंट को मीट करना होता है, उसे पता होना चाहिए. ठीक है, तो अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल्स वगैरह तो जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम्पल सामने आएगी. अभी तो मैं आपको एक एग्जाम सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जाम कैसे होता है, सिलेबस हमारा क्या है, उसे समझने की कोशिश करें. एग्जामिनेशन आपका 3 आवर, आपका क्वालिटी टाइम जो होता है वो 3 घंटे होते हैं. 3 घंटे में आपको एग्जाम कवर करना है. एक अच्छी चीज ये है कि आपको कुछ पेजेस का शीट दी जाएगी तो आपके पेपर में होगी, जिसमें टैक्स रेट्स, अलाउंसेस, इंफॉर्मेशन ऑन सर्टेन रिलीफ्स विल बी गिवन टू यू इन द एग्जाम. अप्रॉक्सीमेटली समझ ले 4 पेजेस की एक शीट होगी, 4 to 5 pages की एक शीट होगी, जिसके अंदर बहुत सारे टैक्स रूल्स आपको गिवन होंगे, आपको याद नहीं करने, आपको वहां से उठाकर अप्लाई करने. लेकिन इसके अलावा देर आर अबंडेंस ऑफ टैक्स इश्यूज जो कि आपको मेमोराइज करने हैं. इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स का पेपर इज ऑल अबाउट दी मेमोराइजिंग ऑफ दी टैक्स रूल्स. आपको टैक्स रूल्स मेमोराइज करके याद करने और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है रिवीजन किट से, पास्ट पेपर से, अफेक्टिवली कि उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे. एट द एंड ऑफ द डे जब स्टूडेंट एग्जाम में जा रहे होते हैं, तो उनकी एक शिकायत होती है कि रूल्स इतने ज्यादा हैं कि दे आर नॉट एबल टू रिकॉल. एक रूल याद करते हैं, दूसरा निकल जाता है, उसको कैसे कवर किया जाए, उस पर भी हम बात करेंगे ऑब्वियसली अपने सेशन के अंदर, कि किस तरह आप टैक्स रूल्स को अफेक्टिवली, एफिशिएंटली जो है ना, रिटेन कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, कितना काम आपको करना पड़ेगा. तो ये बात तो हो गई आपकी एग्जाम क्वेश्चंस के ऊपर, और एग्जाम क्वेश्चंस में क्या होता है उसके ऊपर बात हो गई. अब आपके सिलेबस की जो रिक्वायरमेंट है उसको अगर देखा जाए, तो उसके हिसाब से उन्होंने इसको ABCD 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है कि आपको क्या बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए, आपकी कैपेबिलिटीज क्या होनी चाहिए जिससे आप जो है ना वो पास कर सकते हैं, आपकी नॉलेज क्या होनी चाहिए. इसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ. उससे पहले हम यहाँ आ जाते हैं. एडवांस टैक्सेशन के सिलेबस में आपके पास ये एरियाज मौजूद हैं. पहला एरिया है हमारे पास इनकम टैक्स का. इनकम टैक्स की जब हम बात करते हैं, तो इनकम टैक्स में हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल की. एक इंडिविजुअल है और उसकी कुछ सोर्स ऑफ इनकम है जिसके ऊपर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है. अब फॉर एग्जाम्पल, वो इंडिविजुअल जो है वो एम्प्लॉयड भी हो सकता है, ही इज वर्किंग समवेयर. तो इफ अ पर्सन इज वर्किंग समवेयर, तो ही और शी माइट बी रिसीविंग समथिंग, एंड दैट समथिंग इज कॉल्ड द बेनिफिट्स, सैलरी प्लस अदर बेनिफिट्स.
फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है, उसको एनुअल सैलरी मिलती है, उसको बोनसेस मिलते हैं, उसे कार मिलती है, उसे फ्यूल मिलता है, उसे एसेट्स लैपटॉप्स वगैरह इस्तेमाल करने के लिए मिलते हैं, उसे मोबाइल फोन दिए जाते हैं, तो क्या इन तमाम चीजों पे टैक्स लगेगा? अगर लगेगा तो रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? किस तरह आप कार पे टैक्स लगाएंगे, किस तरह आप लैपटॉप्स पे टैक्स लगाएंगे, किस तरह आप मोबाइल फोन पे टैक्स लगाएंगे? फिर क्या उसकी सैलरी से एडवांस टैक्स डिडक्ट होगा? आप लोगों ने शायद मे बी एक टर्मिनोलॉजी सुनी हो पास्ट में, पेई, सुनी? इट्स कॉल्ड पे एज यू अर्न। ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। जब भी वर्कर कुछ कमाता है तो उसमें से उसका एम्प्लॉयर एक अमाउंट डिडक्ट करता है और टैक्स अथॉरिटी को वो ट्रांसफर करेगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय जब अपना साल के एंड में जब रिटर्न जमा करवाएगा तो वो ऑलरेडी टैक्स दे चुका होगा। अब उसे ये देखना है कि अगर उसने कम टैक्स दिया था तो रिमेनिंग उसको टैक्स देना है, और अगर वो ज्यादा टैक्स दे चुका था तो इसका मतलब है उसे वहां से रिफंड वापस मिल जाएगा। अच्छा जी, फिर इनकम टैक्स में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ दूसरे टॉपिक्स हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप एज अ सोल ट्रेडर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आपका कोई बिजनेस है एज अ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर भी हो सकता है और वो बिजनेस जो है वो एक पार्टनरशिप भी हो सकता है। तो या तो एज अ सोल ट्रेडर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, या एक बिजनेस में आप एज अ पार्टनर काम करते हैं, तो वहां से जो भी प्रॉफिट आप ड्राइव कर रहे हैं उस प्रॉफिट पे भी टैक्स लगेगा। पार्टनरशिप से एज अ पार्टनर जो अपना शेयर ड्राइव कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, उस पर भी टैक्स लगेगा। तो आपको ये रूल सिखाया जाएगा कि किस तरह आप टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, उस टैक्सेबल प्रॉफिट पे किस रेट से आप टैक्स अप्लाई करते हैं। ये सारी बातें टैक्सेशन के एग्जाम में ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़ चुका होता है, लेकिन एडवांस टैक्सेशन तक पहुंचते पहुंचते या तो उसके पास नॉलेज नहीं होती, या फिर वो एग्जेम्पशन लेकर आया हुआ होता है। और एक और प्रॉब्लम ये है कि या तो उसने टैक्स पढ़ा होता है पुराने फाइनेंस एक्ट में, इस वक्त जो हम टैक्स का पेपर पढ़ रहे हैं उसका करंट फाइनेंस एक्ट हमारे सिलेबस में जो चल रहा है वो है 20, फाइनेंस एक्ट 2020। एंड जो आपकी मार्च अटेम्प्ट है जिसमें आप जाएंगे वो आपकी इस फाइनेंस एक्ट की आखिरी अटेम्प्ट है। यानी कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप फेल हो गए तो आपको जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगी जून की, उसके अंदर आपका फाइनेंस एक्ट रिवाइज हो जाएगा, एंड देर विल बी अ न्यू फाइनेंस एक्ट विच इज 2021। अब आपके माइंड में सवाल आएगा उससे क्या होगा, क्या फाइनेंस एक्ट चेंज होने से मुझे दोबारा नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। फाइनेंस एक्ट चेंज होने से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते हैं, स्लाइट मॉडिफिकेशन सिलेबस में भी पॉसिबल होती है, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको थोड़े से अपडेट करने पड़ते हैं। सिलेबस आपका वही रहता है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नॉर्मली नहीं होती इन केस अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो। सो इनकम टैक्स में अब सोल ट्रेडर ने प्रॉफिट, पहले आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है टैक्सेबल, फिर रेट्स अप्लाई करने हैं, और अगर फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट की जगह लॉसेस आ गए तो फिर आपको टैक्स अथॉरिटी से इन लॉसेस के ऊपर रिलीफ मिलेगा, और उस रिलीफ के डिफरेंट तरीके होंगे, विच रिलीफ मेथड इज सूटेबल फॉर यू, विच रिलीफ मेथड इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू, किस रिलीफ मेथड में ज्यादा फायदा होता है। अब आपको यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि लॉसेस हर अटेम्प्ट के लिए हॉट फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर को। अभी जो पिछला एग्जाम गुजरा है उसमें उसने कॉरपोरेशन के ग्रुप लॉसेस वगैरह की डिस्कशन पे सवाल क्रिएट किया है। तो आप लॉसेस को जरा माइंड में फ्रेम कर लें कि टैक्स के पेपर में आपको लॉसेस के ऊपर काफी अच्छी ग्रिप रखनी है, ताकि अगर लॉसेस पे कोई सवाल बनता है तो उसके हर एंगल से आपने उन लॉसेस के बारे में पढ़ा हुआ हो, उसकी कैलकुलेशन, उसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट सब आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स में हम कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे कि अगर एक कंपनी है वो प्रॉफिट कमा रही है तो उस प्रॉफिट को हम कैसे टैक्स लगाएंगे, अगर वो लॉस सफर कर रही है तो लॉस पे उसको रिलीफ कैसे मिलेगा, फिर कंपनी में
एक सिंगल कंपनी होगी तो क्या होगा, और अगर ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, तो अल्टीमेटली उसमें हम किस तरह से काम करेंगे। अगर एक पेरेंट कंपनी दूसरी कंपनी को अपने लॉसेस ट्रांसफर करना चाहे तो उसकी क्या कंडीशन होगी, 51% सब्सिडरी क्या होती है, 75% सब्सिडरी क्या होती है, इन चीजों के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और अदर कॉरपोरेशन के इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो इशू आता है टैक्स के पेपर में जो आपको समझना पड़ेगा, वो मसला होता है रेजिडेंस इशू। जिस मुल्क में भी आप इनकम जनरेट कर रहे हैं उस मुल्क में आपको टैक्स देना होता है। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि एक शख्स है वो कुछ टाइम यूके में गुजारता है, कुछ टाइम पाकिस्तान में गुजारता है, कुछ टाइम इंडिया में गुजारता है, तो अब एक प्रॉब्लम आता है कि उस शख्स का रेजिडेंस स्टेटस टैक्स पर्पस के लिए कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो इसका पूरा टॉपिक है हमारे पास विच इज कॉल्ड रेजिडेंस एंड डोमिसाइल इश्यूज। तो इंडिविजुअल का रेजिडेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। कॉरपोरेशन का एक कंपनी कहाँ की रेजिडेंट कंपनी है, यूके रेजिडेंस भी हो सकता है और ओवरसीज रेजिडेंस भी हो सकती है। टैक्स के इश्यूज में क्या प्रॉब्लम आएगा, अगर एक कंपनी यूके रेजिडेंट है तो क्या होगा, अगर एक कंपनी नॉन यूके रेजिडेंट है तो क्या होगा, ये सारे काम कॉरपोरेशन टैक्स के अंदर बात की जाएगी। अगर एक कंपनी की एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं ओवरसीज तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा, ब्रांच बनाकर ऑपरेट करना चाहिए, सब्सिडरी बनाकर ऑपरेट करना चाहिए, ये सारी चीजें हम कॉरपोरेशन टैक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तीसरा टॉपिक जो कि हमारा पहला टॉपिक होगा इनहेरिटेंस टैक्स। अगर एक शख्स अपनी जिंदगी में किसी को कोई गिफ्ट देता है अपनी बिलोंगिंग्स में से, उस गिफ्ट पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, अगर टैक्स लगेगा तो क्या रेट होगा, किस तरह से टैक्स लगेगा, टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे, इनहेरिटेंस टैक्स में ये चीज पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा इनहेरिटेंस टैक्स के अंदर आपको ये पढ़ाया जाएगा कि अगर एक शख्स की डेथ हो जाती है तो ड्यूरिंग लाइफ उसने जो गिफ्ट्स किए थे, जो गिफ्ट दिए थे, क्या उन पे टैक्स लगेगा, और एट द टाइम ऑफ डेथ अपनी विल अगर उसने ट्रांसफर की है अपने बच्चों को, वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को, तो उसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सेक्शन बी में हमारे पास जो एक 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो एक 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन इनकम टैक्स से हो सकता है, वो एक पूरा कॉरपोरेशन टैक्स से हो सकता है, या वो एक पूरा क्वेश्चन इनहेरिटेंस टैक्स और किसी और टॉपिक को मिलाकर भी बनाया जा सकता है। नॉर्मली इनकम टैक्स से एक 20 नंबर का सवाल हम एक्सपेक्ट करते हैं हर साल के, इनकम टैक्स से पूरा कंप्लीट 20 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जब हम सेक्शंस की बात कर रहे थे तो क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है कि टाइम मैनेजमेंट बड़ा क्रूशल है, तो स्टूडेंट के जहन में एक सवाल आता है जो कि अभी अर्ली है पहली क्लास में, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जी जब हम पेपर में जाएंगे तो हमें सेक्शन ए से स्टार्ट लेना होगा या सेक्शन बी से स्टार्ट लेना होगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन टेक्निक्स वगैरह पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इमीडिएटली और आइडियली मेरा आपसे ये आंसर होगा कि जी हम सेक्शन बी से स्टार्ट हमें पेपर करना चाहिए। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये कि वहाँ शॉर्ट सिनेरियोज होते हैं तो वहां से मार्क्स लेना कंपैरेटिवली आसान है, एज कम्पेयर टू आप सेक्शन ए में जाएं, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो और आप उस इंफॉर्मेशन में खो जाएं और आपका पूरा पेपर का जो ना वो सत्यानाश हो जाए और आपको समझ ना आ रहा आप मेरे साथ क्या हुआ एंड टाइम इज लाइक मैनेज ना हो रहा आपके साथ, ठीक है जी। फोर्थ टॉपिक जो कि एक छोटा सा टॉपिक है और इससे रिलेटेड 5 to 10 मार्क्स की कैलकुलेशन आपको एग्जाम में मिलेगी डिफरेंट सेक्शन में, डिफरेंट क्वेश्चन में, हो सकता हर क्वेश्चन में कोई ना कोई पार्ट हो, उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, विच इज कॉल्ड सेल्स टैक्स एज वेल इन मेनी कंट्रीज। अच्छा, वैल्यू एडेड टैक्स नॉर्मली जो लगाया जाता है वो अदर टैक्स के अलावा कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। सो वेरी स्ट्रेंज कि आप इनकम कमा रहे हैं उस पर भी टैक्स दें, ठीक है, आप गिफ्ट कर रहे हैं उस पर भी टैक्स दें, आप एसेट सेल कर रहे हैं उस पर भी टैक्स दें, और अगर आप कोई चीज एज एन इंडिविजुअल कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको उस पर भी वैल्यू एडेड टैक्स पे करना पड़ेगा।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सीजीटी। जब आप कोई एसेट डिस्पोज ऑफ करते हैं, जब आप शेयर्स डिस्पोज ऑफ करते हैं, नॉन करंट एसेट डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उसके डिस्पोजल के ऊपर अगर आपको कोई गेन होता है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी एग्जेम्पशंस मिलेंगी, बहुत सारे रिलीफ्स मिलेंगे, किस तरह आप डिस्पोजल भी कर दें और आपके ऊपर कोई टैक्स भी ना लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडिविजुअल यूके में एक घर बेचता है जो कि उसका अपना घर हो और उसमें वो 100% रहा भी हो, उसी घर में वो रहता भी हो, और रहते हुए अगर उसने वो घर सेल किया और उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, तो अब उस प्रॉफिट के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो एग्जेम्पशन में फॉल हो रहा है। इसी तरीके से कैन यू हेयर मी प्रॉपरली, काइंडली कंफर्म करें मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है। देर वॉज अ बिट इंटरनेट इशू इन बिटवीन। ओके, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लाइव सेशन हमारे होंगे, जैसे आज हो रहे हैं, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो भी हम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करते हैं। क्लास एंड होने के नेक्स्ट 1 to 2 hours के अंदर ये रिकॉर्डिंग भी जो है वो सिस्टम पे अपलोड हो जाती है। तो इन केस अगर किसी स्टूडेंट को लाइव क्लास लेने का कोई मौका ना मिल रहा हो, किसी वजह से वो लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हो, तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो रिकॉर्डेड लाइव डिस्कशन जो है वो भी लेकर अपना टॉपिक रिवाइज कर सकता है। फिर नेक्स्ट सिटिंग में उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो टीचर से कंसल्ट कर सकता है कि जी मुझे मैंने पढ़ा था, मुझे ये पॉइंट जो रेस करना था, तो पहले उसका आंसर दिया जाएगा और उसके बाद फिर हम अपनी नॉर्मल डिस्कशन लेके चलेंगे। तो फिजिकल क्लासेस में और नॉर्मल क्लासेस में ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस के अंदर आपको एक तो टीचर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, दूसरा ये होता है कि किसी भी वजह से लाइक इंटरनेट का कोई इशू आया या लाइट का कोई इशू आया, तो अल्टीमेटली आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है कि जी आपकी क्लास ज़ाया नहीं होगी, या आप जॉब में बिजी हैं कहीं लाइक दिस, तो आपको पता होता है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बड़ा बेनिफिट है जो आपको मिलेगा थ्रू आउट। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मसला है वो है एथिक्स का। तो देखिए ऑब्वियसली ACCA एक प्रोफेशनल बॉडी है, वो डिमांड करती है कोड ऑफ एथिक्स, क्या उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो स्टूडेंट्स हैं, वो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी मीट करें। इसी तरह जब आप टैक्स कंसल्टेंट के तौर पर काम करते हैं तो ये आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको अपने क्लाइंट को किस तरह से एडवाइस देनी है। क्लाइंट अगर किसी रॉन्ग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, गलत काम कर रहा है, तो क्या आप उस क्लाइंट को कैसे बात करेंगे, कैसे उसको बताएंगे? अगर वो किसी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? अपने आप को कैसे आप डिफेंड करेंगे, अपने आप को कैसे बचाएंगे? ये कुछ चीज़ें हम एथिक्स में पढ़ेंगे। एथिक्स में बड़ा पोर्शन नहीं है, एक छोटा सा पार्ट है, और 5 marks एज आई टोल्ड यू कि 5 marks अगर आपको लेने हैं तो आप एथिक्स तो अच्छा कर लें अपना, ताकि पेपर में जो 5 marks एथिक्स के होंगे वो आपके आराम से आ जाए। अब इस मेन कैपेबिलिटीज को अगर हम डिस्कस करें तो देखें, पहले तो यहाँ पर मेंशन है ए। ए सेज दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टैक्स सिस्टम, आपको टैक्स सिस्टम पता होना चाहिए। आप कहाँ का टैक्स पढ़ रहे हैं? आप UK टैक्स पढ़ रहे हैं, आप इंटरनेशनल ग्लोबल कोई टैक्स नहीं पढ़ रहे। आप कौन सा वेरियंट पढ़ रहे हैं? आप UK वेरिएंट पर, ठीक है? तो UK वेरिएंट में, UK टैक्स सिस्टम में जो जो चीजें हैं, जिन टॉपिक्स का मैंने अभी जिक्र किया, उसके बारे में आपको पता। हेलो, कि किस तरीके से जो है आप UK टैक्स सिस्टम की पूरी नो हाउ आपको UK टैक्स सिस्टम की होनी चाहिए, चाहे वो इनकम टैक्स हो, कॉरपोरेशन टैक्स हो, तो UK टैक्स सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए थ्रू द स्टडी ऑफ मोर एडवांस्ड टॉपिक्स। क्योंकि स्टूडेंट टैक्सेशन के अंदर कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़कर आ चुका होता है, तो वह कुछ नए टॉपिक्स भी साथ साथ इसमें एड ऑन करता है जो उसने पुराने सिलेबस के अंदर नहीं पढ़े थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प ड्यूटी टैक्स। अब ये लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह के डिस्पोजल पर नॉर्मली स्टैम्प टैक्सेस भी लगाए जाते हैं जो कि प्रीवियस सिलेबस के अंदर स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाए जाते। तो एक चीज है कि आपको टैक्स सिस्टम थॉरली समझना है, अच्छी तरीके से
उसको रूल्स को मेमोराइज करना है। दूसरी चीज पार्ट बी, इम्पैक्ट ऑफ रेलेवेंट टैक्सेस ऑन वेरियस सिचुएशन एंड कोर्स ऑफ एक्शन इंक्लूडिंग द इंटरक्शन ऑफ टैक्सेस। बाज दफा क्या होता है कि एक टैक्स सिस्टम दूसरे टैक्स सिस्टम के साथ इंटरेक्ट हो रहा होता है। हमारे पास एक एग्जाम्पल बनती है इसकी, सीजीटी और आईएचटी के अंदर कुछ जगह पर डुप्लीकेशन होती है, उस पर सीजीटी भी लगना होता है, उस पर आईएचटी भी लगना होता है, लेकिन एट ए टाइम हमें एक टैक्स देना होता है तो हमें चॉइस करनी होती है कि हम आईएचटी दें या सीजीटी दें। तो बाज दफा इंटरेक्शन ऑफ टैक्सेस भी हमें देखने पड़ते हैं और ये देखना पड़ता है कि किस सिचुएशन में आपको कौन सा टैक्स सिस्टम जो है वो अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक घर बेचना चाहते हैं और ईयर एंड के ऊपर जो टैक्स ईयर एंड हो रहा है उसके ऊपर आप घर बेचते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल है या टैक्स ईयर शुरू होते वक्त बेचें वो ज्यादा बेनिफिशियल है? अपना अकाउंटिंग ईयर आप टैक्स ईयर के करीब बनाएं या दूर बनाएं, क्या आपके लिए ज्यादा बेहतर है? ये सिचुएशनल आपको डिस्कस करना पड़ता है। तीसरी चीज, किस तरीके से टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज किया जाएगा या डेफर किया जाएगा थ्रू दी टैक्स प्लानिंग मेजर्स। अब फॉर एग्जाम्पल, टैक्स लायबिलिटी को डेफर करना, डेफर करने से हमें क्या फायदा होगा? डेफर करने का मतलब ये होता है कि आप आज टैक्स नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि ये टैक्स मेरा डिले हो जाए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, एनी वन कैन आंसर, कि आप टैक्स डेफर क्यों करना चाहेंगे? व्हाट इज द रीजन? मतलब मिनिमाइज करना तो समझ में आता है ना, कि आपकी लायबिलिटी मिनिमाइज हो जाए। व्हाई यू वांट टू डेफर योर टैक्स लायबिलिटी? आज दे दे, व्हाट इज प्रॉब्लम? डेफर करने से आपको क्या फायदा मिलेगा? एनीवन? चलो मैं आंसर कर देता हूं। डेफर करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कैश फ्लो एडवांटेज। अगर आपके पास कैश फ्लोस के इश्यूज चल रहे हैं तो फिर आप डेफर करके उससे टाइम का फायदा उठा सकते हैं। डेफर करने में सिर्फ आपको टाइम का फायदा मिलेगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी खत्म नहीं होगी, बल्कि आपकी टैक्स लायबिलिटी विल रिमेन द सेम, वो अपनी जगह मौजूद रहेगी। आपको फायदा क्या मिलेगा? आपने डेफर किया, आज नहीं दे रहे, आप 5 साल बाद टैक्स देते हैं, आप 10 साल बाद टैक्स देते हैं, तो इट्स अ बिट बेनिफिशियल इन दिस सेंस। ठीक है, तो उसके हम कई हमारे पास तरीके होते हैं जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जी अगर आप ये काम कर लें तो आपकी जो करंट टैक्स लायबिलिटी होगी वो कुछ साल के लिए क्या हो जाएगी, वो डेफर हो जाएगी। उसके बाद पार्ट डी में अगर आप चेक करें तो पार्ट डी सेज दैट विच इज मोर ऑफ एथिक्स, कि आपको अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है और आपका क्लाइंट के साथ साथ आपको टैक्स अथॉरिटी के साथ भी कम्युनिकेट करना है। यूएई की टैक्स अथॉरिटी कौन सी है? HM रेवेन्यू एंड कस्टम, उसके साथ भी आपको इंटरेक्ट करना है, अदर प्रोफेशनल्स के साथ इंटरेक्ट करना है in an appropriate manner and that refers to your ethical responsibility, कि आप किस तरीके से अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और किस तरीके से आप HM रेवेन्यू एंड कस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये आपके पास मेन कैपेबिलिटीज यहाँ पर सिलेबस में हमारे डिस्कस हुई है कि आपके पास ये तमाम कैपेबिलिटीज होनी चाहिए इस पेपर को पास करने के लिए। साथ साथ मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स अवेलेबल हैं, तो ये टॉपिक्स एक डिटेल एक स्लाइड इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो गया। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि इन ऑर्डर टू पास दिस पेपर क्या चीज़ आपको करनी है और क्या चीज़ आपको नहीं करनी। अब देखें, एक तो ट्यूटर की एडवाइस होती है, ट्यूटर अपनी तरफ से एडवाइस देगा, उसको आप शायद इतना अच्छा ना लें, लेकिन अगर एक एग्जामिनेशन टीम की आपको एडवाइस मिल जाए तो आपको ऑब्वियसली उसको बड़ी केयरफुली फॉलो करना चाहिए ताकि आप वो गलतियां ना करें जो पास में स्टूडेंट करते हैं, तो दे सफर फ्रॉम दीज मिस्टेक्स और वो फेल हो जाते हैं। सो मैं कुछ यहाँ पर चीज़ें मैंने स्लाइड में हाईलाइट की हुई, अगर हम उन पर फोकस करेंगे, उन्हें रिपीट नहीं करेंगे, तो हमारे पास एक अच्छा फेयर चांस होगा इस पेपर में पहली अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहने का। सो लेट्स डिस्कस दिस प्रिपरेशन एडवाइस फ्रॉम दी एग्जामिनेशन टीम। नो योर स्टफ, you must have thorough, that is the detailed precise knowledge of the entire syllabus, yani ki aapko koi bhi syllabus ka area chhodna nahi hai aur aapko har syllabus ka area padh kar jana hai। agar aap koi bhi area chhod ke jate hain to uska impact ye ho sakta hai ki ho sakta hai
एग्जाम में आपको वो सिलेबस का एरिया पूछ लिया जाए। आपको अपनी ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज रिफ्रेश करनी है फ्रॉम द TXUK सिलेबस विच आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, उसके लिए आपको कोई वरी नहीं करनी, वो हमारे ATX के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, हमारा हर टॉपिक बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, सो इसकी कोई टेंशन नहीं। लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज बहुत ज़रूरी है, समटाइम्स बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं और स्टूडेंट्स को उन बेसिक्स के बारे में भी आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो बहुत एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बेसिक्स को इग्नोर करके जा रहे होते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है आपको ऑब्वियसली, इन ऑर्डर टू पास प्रैक्टिस इज मस्ट, एंड प्रैक्टिस भी आपको टाइम बाउंडेड करनी चाहिए। ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे एक्सेल और वर्ड्स को भी आपको ग्रेजुअली इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपका एग्जाम अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, अब इट्स नो लॉन्गर द मैनुअल एग्जाम कि आप मैनुअल वर्किंग पे फोकस करें, तो आप ग्रेजुअली कुछ ना कुछ सवाल जो है ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे या एक्सेल और वर्ड पे आदत डालेंगे तो ये वाला मैटर भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा। लर्न हाउ टू स्पॉट ट्रिगर्स विच आर देयर टू पॉइंट यू टूवर्ड्स द रिक्वायर्ड आंसर। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम कुछ चीज़ें हाईलाइट करते हैं, देखें ये लिखा हुआ है इसका ये मतलब हो सकता है, ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपको ये गलती नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके सामने आता है कि ये शख्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये एक हायर रेट टैक्स पेयर है, तो आपको पता होना चाहिए कि हायर रेट टैक्स पेयर का क्या मतलब है। इसका मतलब है इसका टैक्स रेट अब वो नहीं होगा जो नॉर्मल टैक्स रेट हम लगाते हैं ना, ये ट्रिगर आपने पिक किया तो इस ट्रिगर से रिलेटेड फिर आपको वर्किंग सामने नजर आएंगी। बी प्रिपेयर्ड टू आंसर क्वेश्चन ऑन एथिकल इशू। ऑलरेडी आई टोल्ड यू 5 मार्क्स का सेक्शन है में एथिक्स का पोर्शन होगा, छोटा सा टॉपिक है, अगर इसको अच्छी तरह से कर लिया जाए तो अपने 5 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट नहीं पढ़ते, तो यहां पर एग्जामिनर रिपोर्ट का कुछ इंसाइट आपको दिया जा रहा है। Those candidates who did not perform well were weak in the following areas. अब आप अगर ये चीज़ें नहीं करते, इन चीज़ों को overcome कर लेते हैं तो obviously इससे एक positive effect आएगा। They did not have sufficient precise knowledge of the tax rules within the syllabus. Now for example, income tax के अंदर हमारे पास partnership भी है, tax losses भी हैं, property भी है, employment भी है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर आपको कोई भी टैक्स रूल याद नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ा लैक ऑफ टाइम की वजह से, आपको टाइम नहीं मिला, आपने याद नहीं किया, आपको रिकॉल नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। सो आपके पास सफिशिएंट टैक्स नॉलेज का होना जरूरी है। दे डिड नॉट स्पेंड सफिशिएंट टाइम थिंकिंग बिफोर दे स्टार्ट राइटिंग। देखिए तो ऑब्वियसली सबके साथ मसला होता है, कोई भी स्टूडेंट इतना अच्छा नहीं होता कि वो पहले प्लान करेगा कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, तो नॉर्मली दे स्टार्ट राइटिंग, वो क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन पढ़ के उनके दिमाग में जो कुछ आइडियाज आते हैं वो बिल्कुल हैपहैजर्ड वे के अंदर एक आंसर स्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आपने आंसर कर भी लिया और आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो सेक्शन ए में आपके पास जो 4 प्रोफेशनल मार्क्स हैं वो आपको हो सकता है ना मिले। तो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट इवन इन एग्जाम, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ टाइम प्लानिंग को दे देते हैं तो ऑब्वियसली टाइम आपका जाया नहीं होता, बल्कि आपकी जो भी फॉर्मेट है, जो भी आपका लेआउट है, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है, उस प्लानिंग से और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। देयर टाइम मैनेजमेंट वॉज पुअर। नाउ व्हाट इट मीन्स, देयर टाइम मैनेजमेंट वॉज पुअर। एग्जामिनर कह रहा है कि आपको मैंने 100 मार्क्स दिए थे, आपने वो 100 मार्क्स नहीं किए, आपने 90 का पेपर अटेम्प्ट किया, आपने 80 का पेपर अटेम्प्ट किया, इट मींस आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उस पर अननेसेसरी टाइम लगाए। और एक रीजन जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको नहीं करना, वो ये है कि सेक्शन ए में आपने बहुत ज्यादा टाइम क्वेश्चन नंबर 1 पे लगा दिया। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर स्टार्ट किया, सेक्शन बी आपको नहीं समझ में आता, आपने स्टार्ट सेक्शन ए से किया, आपने सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट लिया जो कि किसी सूरत एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन मजबूरी में किया जा सकता है, आपने किया और उसमें आपके पास जो 35 मार्क्स हैं 1.8 या 1.6 के हिसाब से अगर अकाउंट करेंगे ना, तो एक घंटे में आपको ये सवाल कर लेना, आपने इसके अंदर 1.5 आवर्स लगा दिए। अब आप सोचेंगे रिमेनिंग जो आपके पास टाइम है
उसके अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, ये आपके लिए प्रॉब्लम कर जाएगा। इसी तरीके से एक स्टूडेंट ने सेक्शन बी से स्टार्ट लिया और उसने ये डिसाइड किया कि मुझे दोनों क्वेश्चन सेक्शन बी के एट वंस कर लेने। अब वहां पर आपके पास कितने मार्क्स हैं? 40 मार्क्स हैं। 40 मार्क्स का मतलब ये है कि आपको अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं 1.8 मार्क्स भी लगाता हूँ उसके अंदर, तो एक घंटे से ज्यादा टाइम आपको यहाँ पर एलोकेट करना है। तो वहां पर भी आपने 20-30 मिनट्स एक्स्ट्रा लगा दिए, तो सेक्शन बी पे अननेसेसरी टाइम लगाएंगे, सेक्शन ए नहीं होगा। सेक्शन ए पे अननेसेसरी टाइम लगाएंगे, सेक्शन बी आपका रह जाएगा। और ऐसा भी होता है कि जो लेफ्ट ओवर पोर्शन था उसमें बहुत इजी मार्क्स अवेलेबल थे, लेकिन आपने किसी पार्ट को टच भी नहीं किया। एज ए रिजल्ट उस पार्ट में आप इजीली 2-3-4-5 मार्क्स ले सकते थे और रिजल्ट आपका क्या आया? आपका रिजल्ट आया 48-50 के दरमियान, यानी कि 49, 47, 46, एंड आप अपनी हरकतों की वजह से जो है एग्जाम में फेल हो गए। अब सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात की जा रही है कि वो क्या करते हैं। कैंडिडेट हु आर सक्सेसफुल आर एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स इन 4 की एरियाज। नोट कर लेंगे जी, आपको रेसिपी दी जा रही है कि अगर आपको पेपर पास करना है तो आपको क्या करना चाहिए। दे हैव अ गुड लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज, टैक्स नॉलेज। ऑब्वियसली टैक्स के जो भी सिस्टम, जो भी रूल्स मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी नॉलेज को रिटेन करना है। दे आर एबल टू अप्लाई दिस नॉलेज, क्योंकि आपके पास सिनेरियो बेस्ड सवाल होता है, तो जो भी सर्कमस्टांसिस दिए जाए, मिस्टर ए एंड बी, सही है, मिस्टर ए एंड बी की बात की जा रही है, मिस्टर ए अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है, उसकी वाइफ भी जिंदा है, अलाइव है, उसके बच्चे भी हैं और उनके बच्चों के बच्चे भी हैं। चलें एक बात बताएं कि वो अपना सारा का सारा पैसा वाइफ को ट्रांसफर कर दे तो क्या होगा, बच्चों को ट्रांसफर कर दे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर बच्चों के बच्चों को ट्रांसफर कर दे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। अब आपने टैक्स रूल पढ़ा हुआ है, आपको उस सिचुएशन में जाके देखना है कि यहाँ इस पर्टिकुलर पर्सन को मुझे क्या एडवाइस देनी चाहिए। सिनेरियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दे केयरफुली रीड एंड एड्रेस ईच ऑफ द रिक्वायरमेंट। कोई भी रिक्वायरमेंट जो ना आपको अनटच नहीं छोड़नी, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स, आपको हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। दे टेक टाइम टू थिंक इन प्लान देयर आंसर एंड मैनेज देयर टाइम वेल। आपको ये नजर रखनी है कि मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने मिनट में करना है, क्या इसका लेआउट होगा, थ्योरी लिखनी है तो कितनी लिखनी है और कितने टाइम में ये खत्म करना है। अगर वो नहीं खत्म हो रहा तो आपको अल्टीमेटली दूसरा सवाल स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेक्शन बी से स्टार्ट लिया, क्वेश्चन नंबर 3 से आपने स्टार्ट लिया, यू नो दैट देर आर 20 मार्क्स, आपको उसके तमाम पार्ट्स आते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपने कैलकुलेट किया कि जी 1.6 के हिसाब से मैं वर्क करूंगा और 1.6 के हिसाब से 20 के लिए मुझे जो टाइम मिलता है 1.6 into 20 वो 32 मिनट्स मिलते हैं। आप उस 32 से 40 मिनट्स ले लें। आपने कहा जी मुझे मैक्स इसके ऊपर 40 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना। नाउ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आपके 40 मिनट्स हो गए, आपका कुछ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का भी बाकी है, लीव इट, छोड़ दें उसको वहां पर, क्योंकि जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसके मार्क्स लेना आसान होते हैं, जब आप उसे फिनिश कर रहे होते हैं तो उसके मार्क्स लेना इंतहाई डिफिकल्ट होते हैं। आप वो करने के बजाय ट्राई टू स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन, ट्राई टू स्टार्ट अ न्यू पार्ट। और देखें ये भी मैंडेटरी नहीं है कि आपने 3 किया तो 3 के 3 पार्ट्स थे, ए बी एंड सी, आपको तीनों एक साथ करने, लीव इट। अगर आपको ए पार्ट अच्छा आता है, आपको सी पार्ट अच्छा आता है, तो आप सेक्शन बी में ए पार्ट कर लें फिर सी कर लें, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आंसर एक साथ इसलिए होना चाहिए स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि वहां पर 4 प्रोफेशनल मार्क्स हैं और उसमें सीक्वेंस बहुत जरूरी है, वो पूरा क्वेश्चन आपको इंटायर एक साथ अटेम्प्ट करना है, लेकिन आप बाकी सवालों में वेरिएशन करके, एक पार्ट आपने पहले किया, दूसरा पार्ट आपने बाद किया, ये सब आपको प्रैक्टिस के साथ साथ, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको गाइड किया जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसमें कौन सा पार्ट डिफिकल्ट है, कौन सा पार्ट आपको पहले करना चाहिए और कौन सा पार्ट आपको सब्सिक्वेंटली ट्राई करना चाहिए। आप हमारे पास जो भी कोर्स लेंगे उसके कुछ कोर्स फीचर यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको ग्रेजुअली ये स्लाइड भी आपको मिल जाएगी, उसमें आप पढ़ लीजिएगा किस तरीके से। एक अच्छा फीचर ये है कि आपको स्टडी टेक्स्ट को फोकस करने की ज़रूरत नहीं, आपको हर चैप्टर के कंप्लीट नोट्स की पावर पॉइंट
स्लाइड मिल जाएगी, उस स्लाइड से आपको क्या करना है, अपने रूल्स को रिटेन करना है। जैसे ये स्लाइड में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस तरह हर टॉपिक की स्लाइड्स आपको मिलेंगी और आप उसको रिटेन करते रहेंगे और साथ साथ करते जाएंगे। जो लोग लाइव क्लास ले रहे हैं, जो लोग प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते हैं, उनके लिए भी अगर उन्हें ड्यूरिंग स्टडी कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारा एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप बनेगा अपने स्टूडेंट्स के लिए। उस पर आप मैसेज ड्रॉप करें, कोई स्टूडेंट आपको हेल्प आउट कर देगा, वरना टीचर जो है वो अपने कन्वीनियंट टाइम के ऊपर आपको हेल्प आउट करेगा किस तरीके से आपको मसला हल करना। हमारे एक जर्नल ATX के ग्रुप भी होते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होते हैं उसके डेडिकेटेड ग्रुप होते हैं, ठीक है। और हमारे पास एक लाइव रिवीजन प्लस एग्जाम ड्रिल सेशन होगा बिफोर योर एग्जाम। लाइक अगर आप मार्च एग्जाम की बात कर रहे हैं तो अराउंड 10 to 15 Feb, ये टेंटेटिव डेडलाइन है, इट माइट बी 17-18 में भी, ये आपका एक एग्जाम रिवीजन एंड ड्रिल सेशन होगा जिसमें एक क्विक रिवीजन करवाया जाएगा और कुछ पास पेपर्स की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, फोकसिंग ऑन CV प्लेटफॉर्म के, देखें जी इस तरीके से अब हमने पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, लाइक टिप्स एंड टेक्निक्स आज से ही देना शुरू कर दी है मैंने, तो ऑब्वियसली ग्रेजुअली जब हम चलते जाएंगे आगे तो ये टिप्स एंड टेक्निक्स आपको इसी तरीके से काम आती चली जाएगी। नाउ इस पॉइंट पे अगर आप लोगों को कुछ सवाल है तो आप लोग तो सवाल जो है वो अपने पूछ सकते हैं, और फिर हम अपना जो भी आज का बकिया टाइम है उसमें एजेंडा है वो किसी टॉपिक के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। आज हमारा एक इंट्रोडक्शन सेशन है, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं है, मैंने प्लान किया था 1 hour and 15 minutes का, दैट इज़ फ्रॉम 6:30 to 7:45, सो आई हैव लेफ्ट ओवर लाइक 15 to 20 minutes जिसमें हम फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। क्विकली इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आइदर आप चैट में पूछ लें या अनम्यूट करके पूछ लें, दोनों बातें, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल। कम ऑन, एनी क्वेश्चन? चलिए जी, तो हम जो पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पहला एजेंडा है आज, उसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अ टॉपिक जिससे आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी मिल सकता है कम्प्लीटली, या अल्टीमेटली वहाँ से आपको पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मिल सकता है, किसी और टॉपिक से मिलकर सवाल बन सकता है। एंड द टॉपिक इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस टैक्स। तो उसकी एक बेसिक्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इनहेरिटेंस टैक्स की, इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, किस तरीके से टैक्स लगता है, सो एंड सो ऑन। सो लेट्स बिगिन विद इनहेरिटेंस टैक्स। किसी को अगर पिछली नॉलेज पता है टैक्स सिस्टम की, उसे पता होगा इनहेरिटेंस टैक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो किस तरीके से अप्लाई होता है। बेसिकली जो इनहेरिटेंस टैक्स होता है वो दो चीज़ों के ऊपर अप्लाई होता है, एक तो आपके लाइफ टाइम गिफ्ट्स होते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो गिफ्ट नॉर्मली किसको किया जाता है, वो गिफ्ट या तो किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है, जैसे हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट करता है या अपने बच्चों को करता है, या फिर किसी चैरिटी को या ट्रस्ट को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई गिफ्ट दिया जाता है, उसको हम कहते हैं लाइफ टाइम गिफ्ट। दूसरी चीज होती है एट द टाइम ऑफ डेथ, आपके पास आपकी जो भी बिलोंगिंग्स थी विच इज कॉल्ड डेथ स्टेट, वो आपने अपनी विल में किसी के नाम पर ट्रांसफर कर दी, या तो आपने अपनी वाइफ को ट्रांसफर की होगी, वाइफ ने हस्बैंड को की होगी, हस्बैंड ने वाइफ को की होगी, बेटे को की होगी, भाई को की होगी, अपने बच्चों को की होगी, व्हाटएवर जो भी है। तो IHT इन दो एरियाज को कवर करते हैं, लाइफ टाइम के गिफ्ट्स पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, और अगर डेथ के वक्त कोई विल में एसेट्स ट्रांसफर किए जाएंगे तो उस वक्त इनहेरिटेंस टैक्स कितना होगा, और वो इनहेरिटेंस टैक्स अल्टीमेटली कौन देगा। अब देखें, कोई भी टैक्स सिस्टम अगर आपको पढ़ना है ना तो उसके लिए पता होना चाहिए टैक्स लगता किस चीज के ऊपर है, देता कौन है, सही है? तो
इंडिविजुअल भी टैक्स देता है, कंपनीज भी टैक्स देती हैं, सब सबको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर हम इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं तो इनहेरिटेंस टैक्स चार्ज होता है किसके ऊपर? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के ऊपर। ना अभी हमें ये डिस्कस करना है आगे जाके कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होता क्या है। अगर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एग्जाम में ना दिया हुआ हो तो हमें ट्रांसफर ऑफ वैल्यू निकालनी भी पड़ती है बाज दफा। ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू पे लगेगा नंबर वन। वो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू किस चीज की होनी चाहिए? वो किसी चार्जेबल प्रॉपर्टी की होनी चाहिए। व्हाट इज अ चार्जेबल प्रॉपर्टी? नंबर थ्री, वो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू किसने की हो? वो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू किसी चार्जेबल पर्सन ने की। तो तीन चीजें आपको एक साथ एक्यूमुलेट करनी है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए, किसी चार्जेबल प्रॉपर्टी की होनी चाहिए और किसी चार्जेबल पर्सन के थ्रू होनी चाहिए। हमारे सिलेबस में ये जो चार्जेबल पर्सन है ये एक इंडिविजुअल होगा। इंडिविजुअल के अलावा भी चार्जेबल पर्सन हो सकते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ एक इंडिविजुअल ही चार्जेबल पर्सन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। सो आईएसटी के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। गिफ्ट करने वाला अपने पास से अगर कोई चीज किसी और को देगा तो एक वैल्यू ट्रांसफर तो हो रही है लेकिन क्या वो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होगी? तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में डिस्कस किया जाएगा। अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होती क्या है? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू वो चीज होती है जो आप किसी को बाय वे ऑफ गिफ्ट दे रहे होते हैं। ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इज अ गिफ्ट। अब आसान अल्फाज में बात कर ली जाए तो आईएचटी किसके ऊपर लगता है? आईएचटी लगता है गिफ्ट के ऊपर। गिफ्ट किस चीज का हो सकता है? गिफ्ट किसी भी चीज का हो सकता है। इट माइट बी एनीथिंग। आप कैश दे सकते हैं, आप कोई और चीज दे सकते हैं, आप बिल्डिंग दे सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। विच रिजल्ट्स इन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू से होगा क्या? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोनर्स स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने अपने बेटे को एक कार गिफ्ट की। मिस्टर ए के पास गिफ्ट करने से पहले उसके पास जो कुछ मौजूद था उसकी वैल्यू कितनी थी? गिफ्ट करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी? तो वैल्यू बिफोर ट्रांसफर एंड वैल्यू आफ्टर ट्रांसफर का डिफरेंस निकाला जाएगा और वो डिफरेंस क्या होगा? दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सो फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर करने से पहले, बिफोर ट्रांसफर, हमें पता लगा, हमारे पास नॉलेज है कि बिफोर ट्रांसफर उसकी जो स्टेट थी, जो बिलोंगिंग्स थी, उसकी वर्थ 3 लाख थी। आफ्टर ट्रांसफर अगर उसने कुछ ट्रांसफर कर दिया तो अब उसके पास रिमेनिंग जो भी एसेट्स हैं उसकी वर्थ 2 लाख है। तो ये जो 1 लाख था ये चला गया फ्रॉम डोनर टू डोनी। ट्रांसफर करने वाले ने ये किसी को दे दिया। ट्रांसफर करने वाले को नॉर्मली डोनर कहा जाता है और रिसीव करने वाले को ट्रांसफरी या डोनी कह दिया जाता है। तो ये 1 लाख जो आपने अपनी पॉकेट से किसी दूसरे को ट्रांसफर किए ये कहलाते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। स्टूडेंट ये सवाल पूछता है क्या ये एग्जाम में गिवन होगा? यस, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसफर ऑफ वैल्यू गिवन इन द एग्जाम। लेकिन जब आप गिफ्ट ऑफ शेयर्स की बात करेंगे तो इन दैट केस ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आपको गिवन नहीं होगा और आपको ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू खुद कैलकुलेट करके देना होगा कि जी मैंने 1 लाख शेयर्स थे मेरे पास, नाउ आउट ऑफ दिस 100,000 शेयर्स आई एम ट्रांसफरिंग 20,000 शेयर्स टू माई सन। तो ट्रांसफर करने से पहले मेरे पास जो 1 लाख शेयर्स थे उनकी वैल्यू क्या होगी? ट्रांसफर करने के बाद जो मेरे पास 80,000 शेयर्स हैं उनकी वैल्यू क्या है? और इन दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा दैट वी विल गोइंग टू कैलकुलेट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सो वैल्यू का फॉल होना, रिडक्शन का होना। अच्छा, ये रिडक्शन आप ऐसे भी हो सकती है कि आप जा रहे थे और आपका नुकसान हो गया, सही है? तो वो रिडक्शन काउंट नहीं होगी। रिडक्शन जो होनी चाहिए ना इज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट की फॉर्म में होनी चाहिए। चार्जेबल पर्सन कौन होता है? चार्जेबल पर्सन
ऑल इंडिविजुअल्स आर पोटेंशियली लायबल टू आईएचटी, हर इंडिविजुअल जो कि गिफ्ट दे रहा है या गिफ्ट ले रहा है, डोनर या डोनी, वो क्या हो सकता है, वो चार्जेबल पर्सन हो सकता है। अब आप कहेंगे कि डोनी क्यों, क्योंकि आईएचटी समटाइम्स डोनर पे करता है और समटाइम टैक्स कौन देता है, डोनी देता है। बाज दफा चॉइस होती है, डोनर अगर देना चाहे तो डोनर दे दे और अगर डोनी देना चाहता है तो डोनी दे दे, इसलिए इंडिविजुअल लायबल टू आईएचटी होता है। अब कौन सा इंडिविजुअल, सो एन इंडिविजुअल हु इज डोमिसाइल्ड इन यूके। अब डोमिसाइल का एक पूरा एक अलग टॉपिक है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि यूके डोमिसाइल रेजिडेंस वगैरह क्या होते हैं। तो अगर एक शख्स यूके डोमिसाइल है, अभी आप समझ लें डोमिसाइल मीन्स रेजिडेंट, डोमिसाइल मीन्स आप समझ लें परमानेंट रेजिडेंट, ठीक है आसान अल्फाज में, लेकिन इसके रूल्स हैं बाकायदा। तो एक शख्स अगर यूके डोमिसाइल है तो वो लायबल होता है आईएचटी देने के लिए। एंड नाउ वेरी सरप्राइजिंग, आपको यहां पर बिल्कुल सरप्राइजिंग आपको एक चीज नजर आएगी, और वो सरप्राइजिंग चीज क्या है कि वो लायबल होगा अपने वर्ल्ड वाइड एसेट्स के ऊपर। नाउ दिस इज बिट कंफ्यूजिंग कि एक शख्स है, रहता वो यूके के अंदर है, वो यूके रेजिडेंट है, उसकी कई प्रॉपर्टीज बाहर भी हैं, अब वो गिफ्ट कर रहा है एक प्रॉपर्टी जो कि फ्रांस में मौजूद है। तो फ्रांस के अंदर अगर उसने एक प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया किसी को, तो यूके वाले उसके ऊपर टैक्स क्यों लगा रहे, फ्रांस वालों को टैक्स लगाना चाहिए ना? तो यूके वाले टैक्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यूके का ये रूल है कि अगर एक शख्स यूके रेजिडेंट या यूके डोमिसाइल्ड है तो वो जहां रहे जो करे, लेकिन अगर वो यूके डोमिसाइल्ड है तो उसको जो भी बेनिफिट मिलेगा वो अल्टीमेटली काउंट होगा कि उसने यूके में रहते हुए वो काम किया। तो अब वो वर्ल्ड वाइड एसेट ट्रांसफर कर रहा है तब भी उसको टैक्स इसमें देना पड़ेगा, उसको यूके में टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर एक शख्स यूके में है और यूके के अंदर ही गिफ्ट करता है, लेकिन वो शख्स यूके डोमिसाइल्ड नहीं है, अब आपके पास सिचुएशन आएगी ऐसी जिसमें आपको पता लगेगा कि डोमिसाइल स्टेटस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इज नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूके, इज अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूएसए, और वो यूके के अंदर मौजूद है और यहां वो किसी को गिफ्ट करता है, तो अब उसे जो टैक्स देना है वो सिर्फ किस पे देना है, ओनली यूके ट्रांसफर। अब उसे वर्ल्ड वाइड ट्रांसफर पे टैक्स यूके में नहीं देना। तो ये डोमिसाइल का रूल एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। बाज दफा हमें एग्जाम में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हस्बैंड यूके में डोमिसाइल है, चाहिए वाइफ कहीं और है, अब उसने गिफ्ट कर दिया, अब उसको आप कैसे प्लान करेंगे, क्या हस्बैंड को भी डोमिसाइल बनाना चाहिए, चाहिए सेम डोमिसाइल होगा तो क्या होगा, उसकी मैचिंग अगर कर ली जाए तो क्या हमें कोई फायदा होगा, और अगर उसकी मैचिंग नहीं हो रही तो क्या हमें कोई नुकसान होगा, ठीक है। डोमिसाइल ना होने के बावजूद अगर उसे यूके डोमिसाइल बनाना पड़े तो उसके स्टेटस को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सारी चीजें हमारी एक सेपरेट टॉपिक्स के अंदर कवर होती हैं। सो बेसिकली जब हम आईएचटी की बात करते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास दो चीजें हो गई, एक हो गए लाइफ टाइम गिफ्ट, जिसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि आईएचटी इज एप्लीकेबल ऑन, नंबर वन आपके पास जितने भी लाइफ टाइम गिफ्ट हैं उसके ऊपर आईएचटी लगेगा, और डेथ स्टेट के ऊपर आईएचटी लगेगा, जो कि एक शख्स अपने मरते वक्त किसी को विल में ट्रांसफर करके जाता है। अब जो लाइफ टाइम गिफ्ट होंगे, वो लाइफ टाइम गिफ्ट जो हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल लाइफ टाइम गिफ्ट की बनती है जिसको हम कहते हैं एग्जेम्प्ट, इस पर कोई आईएचटी नहीं लगता। एक एग्जाम्पल बनती है जिसे हम कहते हैं पीईटी, विच इज नोन एज पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। और तीसरी एग्जाम्पल बनती है विच इज कॉल्ड सीएलटी, विच इज कॉल्ड चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर। अच्छा, एग्जेम्प्ट पे तो बात करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम तो एग्जेम्प्ट होगा, हम एग्जेम्प्ट की कैटेगरीज पढ़ लेंगे। तो पीईटी क्या है और सीएलटी क्या है, ये अल्टीमेटली एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि आपको कैसे पता लगेगा कि जो एसेट आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं ड्यूरिंग लाइफ वो पीईटी में फॉल होगा
या चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर में फॉल होगा। तो हमें डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि अगर मैं गिफ्ट देता हूं तो वो पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर कब बनेगा और वो चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर कब बनेगा। अब डिस्कशन स्टार्ट होती है पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। अब एक पॉइंट यहां पे देखें, एक है एग्जेम्प्ट जिसमें हमें क्लियर कट पता है कि ये तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। एक है पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, इसके साथ जो पोटेंशियली का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो ये इंडिकेट करता है कि अल्टीमेटली या तो ये एग्जेम्प्ट होगा या इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, या तो टैक्स लगेगा या हो सकता है इसके ऊपर टैक्स ना लगे। लेकिन जो चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर है इसका मतलब है ये गारंटीड टैक्स लगेगा एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। सो व्हाट इज पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर देन? पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या बनती है? अ पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर इज अ लाइफ टाइम गिफ्ट जो के एक इंडिविजुअल को दिया गया किसी दूसरे इंडिविजुअल, यानी कि एक बंदा एक गिफ्ट अगर किसी दूसरे इंडिविजुअल को देता है, इसकी एक एग्जाम्पल हो सकती है फ्रॉम फादर टू सन, बाप ने अपने बेटे को गिफ्ट किया, बोथ आर इंडिविजुअल, सो ये एक पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर होगा। साथ किसी शख्स ने किसी डिसेबल ट्रस्ट के अंदर गिफ्ट किया, तो अगर कोई डिसेबल ट्रस्ट है और वहां पर आप कोई गिफ्ट करते हैं तो अल्टीमेटली वो भी पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर के अंदर फॉल होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल एक गिफ्ट एग्जेम्प्ट नहीं है, पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर में फॉल नहीं होता, तो वो अल्टीमेटली कहां फॉल हो जाएगा? वो फॉल हो जाएगा एज अ चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा? वो होगा एक चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर। और आपके सिलेबस में जो भी एसेट किसी ट्रस्ट को दिया जाए डिसेबल ट्रस्ट को छोड़कर, वो हमेशा चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर की कैटेगरी के अंदर आएगा। कैटेगरी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कैटेगरी सही आइडेंटिफाई नहीं होगी तो अल्टीमेटली आप हो सकता है कि सही टैक्स प्लेस ना कर पाए। सो मूविंग बैक, आईएचटी लगता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के ऊपर। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इज फॉल इन द वैल्यू, चार्जेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चार्जेबल पर्सन होना चाहिए। हमारे लिए चार्जेबल पर्सन कौन है? इट्स एन इंडिविजुअल। दो तरह के गिफ्ट्स हो सकते हैं, लाइफ टाइम गिफ्ट्स जो होंगे वो या तो पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर होंगे या चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर होंगे। डेथ स्टेट की अभी हम बात नहीं कर रहे, जब हम लाइफ टाइम को पूरा कवर कर लेंगे तो फिर हम डेथ स्टेट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे कि अब हम किसी शख्स की विल में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज मौजूद हैं उसके ऊपर आईएचटी किस तरीके से अप्लाई करेंगे।